उपजब मन में करे विचार, या तुम्हारे लगो दाग रचीते ने काई करतार। अरे भूप ला रे ले जावो चाय, कैसे हमें मांगेगा बा मिलनो चाहिए पहले दूं बताए। सबर जब आवे गो मोकू, अरे पहले तीन बचन दे भूप बात जब बतलाऊ तो को। भूप से लिए बचन भरवाए, अब का करनो है तो को सारी बात दऊं समझाए। काटनो कोड पड़े तो को कैसे, और हम जब चाले संग भूप सुन तेरे मेलन को। अरे मुझसे तीन वचन ले लिए आपने, दी जो विधि बताए कैसे। और थारो किसे कटे गो कोड नाथ में भाए, करू हो यो पाए हो। सुपो बाग जहो देंचे में संकर कोड़े बैन कोड़े, तेरे रोगे भाग बते जो लाको नोड़े कोड़े। सुपो बाग जहो देंचे में संकर कोड़े बैन कोड़े, तेरे रोगे भाग बते जो लाको नोड़े कोड़े। के राजा हम तेरे साथ ऐसे नहीं चल सकते, अरे पहले तुझे हमें वचन देना होगा कि जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा और जो हम मांगेंगे वो तुझे देना होगा। तो सज्जनों माँ पार्वती की इस बात को सुनकर के राजा उनको तीन वचन दे देते हैं और कहते हैं कि हे देवी, चाहे मेरा राजपाट धन दौलत सब जाए, लेकिन मैं आपके पति के कोड को मिटा के रहूंगा, आप मेरे साथ महलों में चलिए। उनको तीन वचन दे करके और अपने महल में ले आते हैं और जाकर के माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे उस दवा का नाम बताएं, उस दवा का आप मुझे नाम बताएं जिसे मैं तुम्हें ला करके दूं, जिससे तुम्हारे पति का कोड ठीक हो जाए। तो देखिए सज्जनों, राजा और माँ पार्वती से क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं। भाई कहे भूप मान दाता देवी, बा दवा बता दे मोकू। अरे बा कहा मिलेगी, कैसी है मैं ला के दे दूं। तो बेटे तेरे पति का तन को कोड कैसे, और भैलन में तुम रहो प्रेम से भूप कहे करे जोर। पार्वती कहे भूप सुन बात, अरे पहले इलाज कर दे ढोला को पाछे पाऊं बात। देख मैं पति बिरता नारी, अरे पति के संग भोजन करूं, देख ये प्रतिज्ञा हारी। दबा तू लावे गो खासू, हे राजा तू दबा की बात करता है और भोजन की बात करता है, तो मैं भोजन जब ग्रहण करूंगी, जब तक मेरे पति भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी, यही मेरी प्रतिज्ञा है। और तू दवा की बात करता है तो दवा के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तेरे घर में ही है। और क्या कहती है, क्या कह रही है। अरे दवा तू लावे गो खासू कैसे, और कर तेरा ही सुत की कैसे, अरे कर तेरा ही सुत की फाड़ नुआ दे ढोलाए खूनन सु। जय हो। अरे भूप को अरे एकदम होयो वियोग, अरे मेरे छोरा नहीं है बता कटे गो कैसे या को। राजा ने जैसे ही माँ पार्वती के मुख से इस बात को सुना के है, राजा तू तेरे पुत्र को चीर करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोड ठीक होगा। राजा महल में खड़े के खड़े रह गए, मन में विचार करने लगे कि मैं ना पुत्री हूं, और ये देवी कहती है कि तू तेरे पुत्र को चीर करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोड ठीक होगा। राजा और महल में खड़े खड़े भगवान से विनती करने लगे, अपने नेत्रों से नीर बहाने लगे। देखिए क्या होता है, क्या होता है। अरे राजा रोवे, अरे राजा रो मैं कर रे विचार, भाई हो विधाता तेने काई तो रची कैसे। अरे मेरे नहीं बैगन में भूत, अरे कोड़े या को कैसे होए। अरे राजा रो मैं भाई रे राजा रो मैं कर हो विचार, विधाता तेने काई तो ठाडो ठाडो मेल में दे राजा करे बेचारे, करे बा राजा करे बेचारे।
और कईयो भग में लिखी अरे तन कारज नहीं करतार राजा रोवे भाईरे राजा रोवे करे ओ बेतारे बेताता से काए तो रे मेरे नाएबा गेन में पूरे कोटे जाको पैसे हो जाए। सज्जनों राजा मां पार्वती की बात को सुनकर के मन में विचार करते हैं कि मेरे भाग में तो पुत्र है ही नहीं, और ये देवी कहती हैं कि तू तेरे पुत्र को छीन करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का घोट जी। सज्जनों राजा मां पार्वती से कहता है कि हे देवी मैं ना पुत्री हूं, मेरे यहां कोई पुत्र है ही नहीं। तो देखिए सज्जनों जैसे ही राजा के मुख से मां पार्वती ने यह बात सुनी तो राजा से कहने लगी राजा तू झूठ बोल रहा है, अरे तू तेरी रानी से जाकर के पूछ, तेरी रानी छहमा के गर्भ से है। सज्जनों इस बात को सुनकर के राजा और महल में भागे दौड़े जाते हैं और जाकर के जैसे ही रानी से पूछा तो रानी ने कहा महाराज आपसे जिस किसी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उससे पहले ही उसकी बलि मांगी आप मुझे स्पष्ट करके बताएं। तो देखिए सज्जनों राजा और किस तरीके से रानी को सारी बातें बताते क्या होता है भैया, क्या होता है भैया। आ रे 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 आए एक पुरुष एक नार गजब कर दइए कैसे। आ रे 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 आए एक पुरुष एक नार गजब कर दइए सत मनाती हो तेरो बने कैसे। अरे सत मनाती हो तेरो बने गर्भदान में मांगो रे 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 आए बोलो जिलो रे 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 होले धीरे से रे रे ओ सत सज्जनों राजा और रानी को किस तरीके से सारी बातें बताता है, क्या कहता है, क्या कह रहा भैया। भाई भूप मान दाता रानी को बात बता बालागे, भूप मान दाता रानी को बात बता बालागे, वो सबर बनाइयो रानी मो पे संकट मोटो आगो। अरे सुना दू तो सारो हाल, एक बात की खुशी हुई बागन में आज कमाल, एक अलबेली सुंदर नर और संग डोकरा 60 बरस को है बाको भरतार, घुसा दोनों बागन में जाए, अरे पग पड़ते ही हो गो हेरो बाग रानी तो कूदू बताए, अरे गर्भ तेरा की बताई बन बात, गर्भ तेरा की बताई बन बात, बा गर्भ काटते ही तू मर जाएगी थर थर कापे घात, तो रानी खेरई सुन भरतार, अरे मेरी मत चिंता करे मिले नहीं मौको बार में, अरे बचन पिया है जीवन का सार, बचन पिया है जीवन का सार, और बात खैर जो फेरे मरद बका जीबा में देख। रानी कहने लगी महाराज आप वचन दे करके आए हो तो आप अपने वचन का पालन कीजिए, आप मेरी चिंता मत करो। और रानी क्या कहती है राजा से, क्या कह रही है भैया। अरे ढोला वचन हार मत जा जो रे, कैसे वो ढोला वचन हार मत जा जो रे, अरे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे, कैसे अरे नार लिया जो रे
दूसरी वर लिया जो रे ढोला बसन हार मत जा जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो रे ढोला बसन हार मत जा जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो रे अरे मोसू बढ़िया नार मिले थर छोरा भी हो जाएगो अरे मोसू बढ़िया नार मिले थर छोरा भी हो जाएगो तू माँ बेटा की बलि चढ़ा दे नाम अमर हो जाएगो शंका वो शंका तू मन में मत ला जो दे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो दे भाई घर से चल दियो राजा जाते ही घोड़ा से बतलायो जब घर से चल दियो राजा जाते ही घोड़ा से बतलायो बस शंकर को लाद पीठ पे भूप मेल में लायो या को कोड ठीक कर दी जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो रे ढोला बदन हार मत जा जो दे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो रे भगवान शंकर उस सारी घटना को देख रहे थे और माँ पार्वती से कहने लगे देख पार्वती भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर मर मिटने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने वचन से हटने वाले नहीं है भगवान शंकर माँ पार्वती से क्या कहते हैं भैया क्या करो भैया शिव शंकर के पार्वती भगतन से कर ले बेटे अरे प्रण राजा ने लई तलवार फैल दियो झट रानी को पेट पेट काट दियो रानी को कैसे हरे ले पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे कैसे कैसे वही पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे हरे सुत की फाड़ करी दे छीटा ओढ़ मिटायो रे पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे सुत की फाड़ करी दे छीटा ओढ़ मिटायो रे पेट काट रानी को गोदी में लाल उठायो रे सुत की फाड़ करी दे छीटा ओढ़ मिटायो रे देखिए सज्जनों हम लोग वचन देने वाले हैं लेकिन वचन का पालन करने वाली हमारी ये माता बहन है राजा ने वचन दिया था और रानी अपने प्राण तजने के लिए तैयार हो जाती है देखिए क्या होता है क्या होता है भैया अरे दियो पार्वती को वचन भूप ने हो आछो परण निभायो अरे रानी को काट दियो फेट कतई नहीं मन में शंका लायो अरे खून की छूटी पिचकारी जय हो और कर दई पति ने फाड़ तड़प रही मेलन में नारी अरे कुख से होलियो पोत्र ने काल और गजब करिए राजा ने देखो बदला दियो अरे चीर दई हाथन से रानी नई चेहरा होयो मलिन देख हंस रही है छतरानी धन तेरा मैया बापन को अरे तन रखो पति को मान कतई को डर पी मरवासू ध्यान से बात सुनो सब नार कैसे और ऐसी बेटी जनो पति संग मरवा हो जाए त्यार अरे बचन को ज्ञान करा दीजो और पढ़ा लिखा बेटी को पति को धर्म सिखा दीजो अरे पति होए नारी को भगवान देखो वचन दियो राजा ने रानी तजबा हो गई प्राय सुनो जरा राजा का समाचार अरे भूप गयो जब रानी के पास और हाथ जोड़ के बोली ले रही लम्बा लम्बा सास अरे बचन को रख जो सैया ध्यान कैसे अरे यको कोड मिटाओ तुरत करो सुत अपने को बल सुनो बा राजा का समाचार कैसे भाई एक हाथ हाथ में पुत्र भूप के दूजा में तल अरे बन सुत घिरे कर दई पार करा दिए कूनन से स्नान कैसे और शिव जी को मिटते कोड छूट गे छट रानी के प्राण हो रे
ते किसे जनो राजा ने अपने वचन की खातिर रानी को पेट को चीरा, रानी के पेट को चीर करके और छह माह के शिशु को निकाल करके उसको भी चीरा, उसको भी चीर करके। और राजा ने जैसे ही भगवान शंकर के उनके रक्त के छीटा दिए तो भगवान शंकर का कोड एकदम से सही हो जाता है। जब भगवान शंकर का कोड सही हो जाता है तो राजा हाथ जोड़ करके और माँ पार्वती से कहते हैं, कहे देवी मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है, जो आपने कहा था मैंने किया है और जो आपने मांगा था मैंने दिया है। मैंने सारा कार्य आपके कहे अनुसार किया है, अब आप मेरे साथ महलों में चलिए, भोजन तैयार है, भोजन करके ही यहाँ से जाए। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भाई, कोड मिटो शिव शंकर को, ये जी कोड मिटो शिव शंकर को, जब राजा जोड़े हाथ महलन में भोजन त्यार, प्रेम से भोग लगाओ नाथ, अरज तुम मेरी सुन लीजो, मेरा जीवन हो जाए धन, कृपाया मो पे कर दीजो। पार्वती नाट गई फटकार, कैसे और हम भोजन नहीं करें, देख तेने घरवाली दई मार, बना दियो हम कूखा बेमाल, और बेहरे में से मार दियो तेन छे महीना को लाल, बली तेरा महलन में दो लास, कैसे अरे तू हत्यारो क्या करे हम भोजन तेरे पास। जैसे ही राजा ने माँ पार्वती को भोजन के लिए आग्रह किया तो माँ पार्वती मना कर देती है, कहने लगी राजा हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, अरे तूने एक छोटी सी बात के लिए तेरे सारे परिवार को नष्ट कर लिया, हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, तू तो कातिल है, अरे तू हत्यारा है। इस बात को सुनकर के राजा हाथ जोड़ करके माँ पार्वती से कहते हैं कि सारा उपाय आपने ही बताया था और आप ही अब कहते हैं कि तू कातिल है, तू हत्यारा है। और राजा हाथ जोड़ करके फिर से माँ पार्वती से क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं भैया, आ रे 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 तेने मेरी मरवा दई घर वाली रे, मरायो मेरो बेटा, आ रे रे तेने मेरी मरवा दई घर वाली रे, मरायो मेरो बेटा रे, भोजन की कहूं रे जाबे कैसे, अरे वो जन की कहूँ रे जब चारो बता मे धीरे धीरे राजा गोरा से बतलावे आंसू नैनन में भर लावे, अरे राजा गोरा से बतलावे आंसू नैनन में भर लावे, मिलो तो से वागन में जाए भैया, अरे मिलो तो से वागन में जाए, अपने लिया रे वचन भर पाए, खई मुझ पहले कोड मिटा दे भैया, अरे खई मुझ पहले कोड मिटा दे, राजा जब भोजन करवा दे आपने मोय दबा बतलाई भैया, अरे आपने मोय दबा बतलाई, रानी तुमने ही मरवाई रे, आपने ही मरवायो मेरो लाल भैया, अरे आपने ही मरवायो मेरो लाल, बाप बन गो बेटा को काल कहो तुम मोसे कब हत्यारो, मैंने कहियो मंगालो भैया, रे हो वो हो जाना के हो गाओ जाबा राजा।
गोरा से बतड़ाबे, अरे आंसू नैनन में भर लावे, बिलो तो से बागन में जाए, आपने लिया वचन भरवाए, खई मुझसे पहले कोड मिटा दे, अरे राजा जब भोजन करवा दे, आपने मोए दबा बतलाई, ईरानी तुमने ही मरवाई, आपने ही मरवायो मेरो लाल बाप बनगो बेटा को काए? अरे कहो तुम मोसे अब हत्यारो और मैंने काई बिगाड़ो, अब मैं हर को रियो ना घर को ले लियो बचन करो मेरो कड़को, जो तुम भूखा घर सो जाओ काई कमी रही बतलाओ, मैं बाकू पूरी कर दंगो पर भूखा जा बाको। अरे कहे जो राजा पड़को गाडो और शिव शंकर देखे थाड़ो। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर सारे परिवार को नष्ट कर लिया फिर भी तुझे भोजन के लिए बंद कर रहा। जय हो। और क्या कहते हैं देखिए, अब मैं हर अब वैसे बैठी भीषण में ऊंट दे वो तो बीच में तो क्या कभी कभी छोटे छोटे चुटकला दे सुल्तान की, ऐसे थोड़ी चले ऐसी कोई बात। देखिए सज्जनो, राजा और माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी ऐसा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मुझे किस जन्म का बदला ले रही हैं? और क्या कहते हैं देखिए, कि अब मैं हर कौड़ियो न घर को ले लियो वचन करो मेरे कड़ को, जो तुम भूखा घर सो जाओ कामी काई कमी रही बतलाओ, मैं बाकू पूरी कर दंगो पर भूखा जा बाको दंगो। कहे जो राजा पड़गो गाडो और शिव शंकर देखे, भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर सारे परिवार को नष्ट कर लिया फिर भी तुझे भोजन के लिए बाध्य कर रहा है। सज्जनो, राजा माँ पार्वती के चरणों में पड़ा हुआ था और भगवान शंकर के कहने पर और माँ पार्वती ने राजा को हाथ पकड़ करके खड़ा कर लिया। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? भाई पार्वती ने हाथ पकड़ के राजा कर लियो ठाडो और थर थर कांपे गात बेचारा का भरो बदन में। अरे डरप तो सुखे बालायो बात और महलन के ऊपर चलो बना रही रानी खाबा बात, मा कर रही बात पे गोर या तो कटी पड़ी मारे आगे के या तो मरी पड़ी मारे आगे रानी आई खांसे और सोच में गोरा पड़ गई है। अरे शिव जी को ठाडो छोड़ उमा महलन में चढ़ गई है, रसोई में जब बैठी जाए रसोई में जब पहुंची जाए और पाई रानी गर्भवती वहां खानो रही बनाए, देखते ही पाचकर खागी मैं नीचे छोड़ी मरी पड़ी या ऊपर कब आगी, मैं पूछू शिव शंकर से बात जब उल्टी आबा लगी खड़ो पाछे मुंह बोले। अरे हसी शिव जी को आ रही है अब काली हो गई बात उदासी कैसे छा रही है, ओ मां शिव जी ने समझाई मेरा भगतन किया लीला थारे समझ नहीं आई, धरू में हर दम इनको ध्यान वो पार्वती सुन में इनको और ये मेरे भगवान, तुरंत आसन लगवायो है जब रानी रही परोस प्रेम से भोजन पायो है। कहे जब शिव शंकर भगवान मैं होगो खूब प्रसन्न मांग ले तू कोई वरदान, भूप जब कहने लगो कर जोर तुम कठिन पर कछा ले ओ भगत की देओ कतई, अरे मोय पर याई दे दीजो कौन सा मोय पर याई दे दीजो ऐसी कठिन पर कछा सुनो भगत की भगवन मत लीजो। भगवान शंकर और अपने असली रूप में आकर के और राजा से कहते हैं कि हे भक्त मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग जो तू वरदान मांगना चाहता है मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। भगवान शंकर से और राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भोलेनाथ आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगता हूं, वो ये कि जो आज आपने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना क्योंकि आगे चल के कलयुग है अन्यथा क्या होगा। क्या होगा भैया? अरे तुझसे डर पे जाएंगे भगत नाम तेरो नहीं कोई लेगो। कैसे? और छोरा की करिए तन मांग चीर कोई गाजर नहीं लेगो।
रानी को गोदी में लाल उठायो रे, तेज उनके भार करी ते बीटा कोट मिटायो रे, तेज राग रानी को गोदी में लाल उठायो रे, तेज उनके भार करी ते बीटा कोट मिटायो रे। देखिए सज्जनों, अब बरसात आने वाली है और बीज तरह तरह के आपके बीच में आ रहे हैं। पहले श्रीराम बीज था, अब हमारे यहां एक बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, कामदगिरी। कामदगिरी बाजरा है जो बहुत ही अच्छा बाजरा है, इसकी पैदावारी बहुत अच्छी है, चाहे कैसी भी माटी में बो दे वो बहुत अच्छो न बजे। और वो कैसा है, अरे पड़ कामद गिरी बोजो बाजरो पाए ला लंबी पाटी में, कैसे अरे कामद गिरी बोजो बाजरो पाए ला लंबी पाटी में, आ छो न बजे गो चाहे बो दे कैसी माटी में, कामद गिरी बोजो बाजरो पाए ला लंबी पाटी में, जो बजे वो चाहे वो जो कैसी माटी में, काम गिरी वो बाजरो वाये लंबी पाटी में, आजो बजे वो चाहे वो जो कैसी माटी में। बोलिए भक्त पर भगवान की जय।